भाई इस बार के बिग बॉस के कंटेस्टेंट तो घर से ज्यादा बाहर की उनकी लाइफ, उनकी पर्सनल लाइफ के लिए ही बहुत जो है चर्चित रहने वाली है, ऐसे दिख रहा है। क्यों कह रही हूँ मैं ऐसा और किसके बारे में कह रही हूँ मैं आपको बताऊंगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रिंकी और आप सबका स्वागत है बॉलीवुड टीवी पर। दोस्तों, पवित्र पुनिया, पवित्र पुनिया बिग बॉस की वो कंटेस्टेंट है जो बहुत स्ट्रांग भी है, जो थोड़ी चालू भी है, थोड़ी शातिर भी है, और वो तभी अपना खेल दिखाएगी जब वो वैसा वक्त आएगा। बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट में मानी जाती है पवित्रा पुनिया। उन्होंने अपने लाइफ में बहुत सारे नेगेटिव किरदार बहुत अच्छे से पर्दे पे जो है उतारे हैं और उनकी बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग भी है। लेकिन पवित्र पुनिया सबसे ज्यादा बिग बॉस में इसलिए चर्चित हुई थी पहले प्रीमियर के दिन, क्योंकि पवित्र पुनिया जो है वो बिग बॉस के एक्स कंटेस्टेंट, पहले सीजन के कंटेस्टेंट पारस छाबड़ा की एक्स गर्लफ्रेंड रह चुकी है। जी हाँ दोस्तों, एक्स गर्लफ्रेंड रह चुकी थी वो पारस छाबड़ा की, आप सब तो जानते ही है। लेकिन इसके बाद जब एक इंटरव्यू में पवित्र से पूछा गया कि अगर पारस छाबड़ा आते हैं बिग बॉस में तो आप क्या करेंगी, तब उन्होंने ये कहा था कि मुझे नहीं लगता कि वो आएगा, अगर आया उसे मुझे उसकी उसमें हिम्मत नहीं होगी कि वो मुझे कुछ कहे। और उन्होंने ये भी कहा था कि मेरी लाइफ की सबसे बड़ी जो गलती थी वो पारस छाबड़ा थे। उन्होंने उन्हें शिट भी कहा था दोस्तों, अगर आपको बता दूं, आपको नहीं पता हो तो उन्होंने उन्हें शिट भी कहा था। और ये जो कॉन्ट्रोवर्सी उन्होंने खड़ी कर दी थी पारस छाबड़ा के ऊपर इतने दिनों बाद जो उन्होंने हल्ला कर दिया था, उस पे ही जो है इंटरव्यू में पारस छाबड़ा को सवाल पूछा गया। ई टाइम्स ने पूछा था पारस छाबड़ा से कि ऐसा ऐसा पवित्र ने आपके बारे में कहा है कि आप शिट हो, आप उनकी लाइफ से बहुत लाइफ की बहुत बड़ी गलती हो, आप उसके बारे में क्या कहोगे, ये उनसे पूछा गया। तब उन्होंने जो बात कही, उन्होंने पवित्र की जो वो सच्चाई सामने लाई, वो देखे क्या आप क्या मैं सभी दंग रह जाएंगे। उन्होंने पवित्र पुनिया पे इल्जाम ये लगाया है कि वो शादीशुदा थी, वो एक इंसान के साथ मैरिड थी, उसके बाद भी वो मेरे साथ रिलेशनशिप में थी, मुझे डेट कर रही थी। उन्होंने मुझसे ये बात छुपाई कि वो ऑलरेडी शादीशुदा है। उन्होंने मुझसे ये भी बात छुपाई कि वो अपने पति के साथ डाइवोर्स लेने वाली है या साथ में रहने वाली है। सारी बातें उन्होंने अपने रिलेशनशिप के बारे में मुझसे छुपाई, यानी कि मुझे बताया कि मैं सिंगल हूँ, हम दोनों रिलेशनशिप में आए। उन्होंने सामने से कभी आके मुझे ये बात नहीं बताई कि वो शादीशुदा है। मुझे ये बात ऐसे पता चली कि उनके फोन पे उनके हस्बैंड का मैसेज आया। ये मैसेज की वजह से मुझे पता चला कि पवित्र की शादी हो चुकी है। और उन्होंने पवित्र को ये कहा कि अगर तुम चाहती हो कि हम दोनों साथ में रहे, यानी कि पारस और मैं, हम दोनों अगर साथ में रहे, अगर तुम ये चाहती हो तो हम साथ में रहेंगे, लेकिन तभी साथ में रहेंगे जब तुम अपने हस्बैंड के साथ डाइवोर्स ले लोगी। ये पारस ने कहा था पवित्र को। और उसके बाद जो है पारस ने बाद में चीजें रियलाइज करना शुरू किया कि पवित्र एग्जैक्टली कैसी है, कैसे चीजें छुपाती है, ये वो जो भी कुछ हो दोनों के बीच की बात है। पारस ने बाद में ये भी कहा कि मैं ज्यादा इस पे बात नहीं करूंगा कि उनके हस्बैंड का क्या हुआ, कैसे क्या, वो सारी बातें मैं नहीं करूंगा, क्योंकि ये ऐसा हो जाएगा कि मैं एक तरीके से जो है उसको एक्सपोज कर रहा हूँ, ये बातें मैं नहीं कहूंगा। लेकिन हाँ, ये बात भी उतनी सच है कि रिलेशनशिप में वो भी गलत थी और उन्होंने वो मैरिड होके भी मुझसे एक्स्ट्रा मैरिटिकल अफेयर में थी। ये बात पारस छाबड़ा ने कह दी है दोस्तों। दोस्तों, बिग बॉस के कंटेस्टेंट की शादी की बात तो बहुत ही बाहर आ रही है, पवित्र की हो फिर चाहे हो सारा गुरपाल के बारे में, सारा गुरपाल की भी शादी की खबरें बाहर आ गई है, फोटोज भी भाई उनके वायरल हो गए। तो एग्जैक्टली ये बिग बॉस में अभी ये लड़कियों की शादी की बात जो बाहर आ रही है, इसके बारे में आपको क्या लगता है हमें नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बिग बॉस का कौन सा कंटेस्टेंट आपका फेवरेट है वो भी हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बॉलीवुड की, बिग बॉस की, टीवी की, दुनिया की हर एक खबर मैं आप तक जरूर पहुंचाऊंगी। बाकी के सारे लेटेस्ट अपडेट के लिए प्लीज देखते रहिए बॉलीवुड टीवी।